वालेकुम सना के प्यारे दिनों में आप सबका स्वागत है। आई होप्स कि आप सब ठीक होंगे, आप सबकी दुआओं से हम सब ठीक है। तो मैं आज दिन पर क्या करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ में रेसिपी शेयर कर रही हूँ चना चाट की, जो हम ठेले से लेके खाते हैं ना वो वाली। तो चलिए मैं किस तरीके से बनाते आपको दिखाती हूँ। तो अभी काले चने भिगाने जा रही हूँ, तो पहले उसे भिगा दूँ। मैंने पौना कटोरा लिया है, काले वाले हैं। अब इसको हम बाउल में डाल के अच्छे से एकदम धो लेंगे पानी से। तो मैंने अच्छे से धो लिया है, अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। और ये पानी डाल दिया है और अब इसमें इसको है ना 3 से 4 घंटे के लिए भिगने दूँगी। जब भिगे जब मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो हम इसको साइड पे कर देंगे 3-4 घंटे के लिए। तो हमने जो चना भिगाने का रखा था वो देखते हैं कि फूल गया है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। ये हमारा फूल गया है, अब इसका पानी निकाल के हम कुकर में डालेंगे। अच्छे से चने को धो लिया, अब मैं डाल दूँगी इसको कुकर में और इसमें डाल दूँगी मैं पानी। पानी इसमें मैं इतना डालूँगी कि हमारा चना गल जाए, तकरीबन इतना चने से ऊपर पानी। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून नमक और अब हम इसको ढक्कन लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह, कम से कम इसमें 7 सीटी आ जाए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। हमारे चने उबल रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं, तब तक के मैं ये सब काट लूँ जो मुझे इसमें डालना है सामान। ये मैंने प्याज की भजी के लिए किया है और ये तुरैयाँ हैं जो शाम में खाने के लिए हमने उसके लिए ये प्याज काटी, टमाटर है और फिर रेसिपी शेयर करना है मुझे ये सब है। फटाफट ये सब काट लूँ फिर उसके बाद आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर लूँगी। हमारा रूम टेम्परेचर पर आ गया है, हल्का गर्म है और अब ये चना हमारा थोड़ा कड़क है, इसमें पानी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पानी है। अब हम इसको गैस पे रखेंगे थोड़ा पानी सूखने के लिए। तो ये हमारा पानी सूख जाए ना, फिर इसके बाद बताऊंगी आगे क्या करना है। तो ये हमारा हो गया है, इसमें पानी पूरा सूख चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको मैं एक बाउल में निकालूंगी। चना अभी हमारा थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए तो फिर उसके बाद बताती हूँ मुझे क्या क्या इसमें डालना है। तो ये हमारा चना ठंडा हो गया है, अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आलू है ना एक छोटे साइज़ का था और एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और एक मीडियम साइज़ का टमाटर है उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, थोड़ा सा पुदीना है, 1 टेबल स्पून हरा धनिया है, 1/2 टीस्पून वाइट नमक है और 1/2 टीस्पून ब्लैक नमक है, और 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, और एक आधे से भी कम नींबू है। अब इसको पूरा ऐसे डाल लूँगी इसके अंदर, नींबू डाले अब इसको अच्छे से मिला लूँगी। तो ये मेरा पूरा रेडी हो गया खाने के लिए। ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी लगता है, मैं हमेशा रमज़ान में ही बनाती, तो सोचा कि इस रमज़ान आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ। तो प्लीज़ आप लोग बनाएंगे तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसा बना है। ये जो मैंने काले चने के चाट बनाया है ना, ये बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी बनता है, बहुत जल्दी बनता है, खाली टाइम लगता है, जितने देर चना उबलता है उतना ही टाइम लगता है, बाकी फटाफट 5 मिनट में बन के रेडी होता है। तो आप लोग भी बनाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बनाएंगे तो ज़रूर बताइए कैसा बना है। ब्रेड पिज़्ज़ा है, चाट है, टैंक है, आज ज़्यादा आप तरीके बनाइए, थोड़ी सी बनाइए। तो मैंने ईशा की नमाज़ अदा कर ली है और ये कहूँगी जो मैंने चना चाट की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की वो बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनती है। अगर जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं ना ठेले से, सेम वही टेस्ट था। अगर आप लोग बनाएंगे तो आप लोग भी यही बोलेंगे कि सेम वही टेस्ट था। बस आज का मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सना की पैदरों को सब्सक्राइब कर देना। जिसने अब तक के सना की पैदरों को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और मेरे चैनल पे जो भी आप नए हैं तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लो, और आप भी बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपको। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब आप लोग बनाएंगे कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, मुझे दुआ में याद कीजिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।